हेलो फ्रेंड्स, प्रीति के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप कुछ नया और टेस्टी खाना चाहते हैं? तो हम आपके लिए ले आए हैं पालक और पनीर के भजिए। इसमें है ताजा पालक और ताजा पनीर और साथ में सब्जियां, और ये है क्रिस्पी और स्वाद से भरपूर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पालक है 200 ग्राम। इसको हमने अच्छे से काट के और धो लिया है 2-3 पानी। अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। और ये हमारा बड़े साइज का आधा आलू है, इसको हमने छील के धो लिया है। अब हम इसको कद्दूकस कर देंगे। ये हमारा कद्दूकस हो गया। अब हम डालेंगे 2 छोटा प्याज है, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, डाल देंगे। और ये आधा गाजर है हमारा, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे ये 50 ग्राम पनीर है, और एकदम ये ताज़ा पनीर है। ये हम इसमें डालेंगे आधा अदरक, आधा चम्मच कुटा हुआ, और 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ, और 6 से 7 कड़ी पत्ता है, और 5 से 6 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, डाल देंगे। और आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें मिर्ची, और ये ज़्यादा मिर्ची तीखी नहीं है। और अब हम डालेंगे 1 कप बेसन, पहले हम आधा ही डालेंगे। और अब हम डालेंगे 1/4 कप ये सूजी है, रवा डाल देंगे, और चम्मच से 4 चम्मच है। और अब हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून, और डालेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून, और जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और आप इसमें सब्जी कोई भी डाल सकते हैं, आप अपने मनपसंद की सब्जी कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने डाला है वही डालना है। अब मिलाएंगे इसको, और ये जो थोड़ा बचा हुआ बेसन है वो हम डाल देंगे। ये हमारा 1 कप बेसन था। अब बढ़िया से हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा मिक्स हो गया है। इसको हमें मिक्स करने में 2-3 मिनट लगा है, और ये हमारा पकौड़े के लिए तैयार हो गया। अब हम डालेंगे, हमने ये बचा के रखा था, ये 50 ग्राम पनीर है छोटे छोटे क्यूब में। हमने इसको इसलिए रखा था कि थोड़ा खड़ा खड़ा रहे पनीर, और उसके पहले वाला हमने इसमें मैश हो गया है तो हमने ऊपर से डाला है, तो इसको ऐसे ही क्यूब में दिखे इसलिए हमने डाला है। अब हम तेल को गरम करेंगे 3-4 मिनट। और ये रिफाइन ऑयल है, और ये हमारा तेल गरम हो चुका है। हम एक एक करके छोटा छोटा भजिया डाल देंगे। तो देखिए ऐसे ही छोटा छोटा हम डालेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। और ये हमने आंच को अभी मीडियम रखा है, डालते जाएंगे। और आपको जितना जितना इसमें आए उतना डालें। पालक पनीर का सब्जी तो खाए ही हैं, इस बार आप पालक और पनीर के पकौड़े बना के देखिए। और इसमें हमने पनीर 2 तरीके से डाला है, एक तो क्यूब डाला है और दूसरा वाला हमने मैश करके डाला है, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इसमें सूजी हमने डाला है उससे क्रिस्पीनेस आती है, बहुत क्रंची और टेस्टी होता है। अब हम इसको तल लेंगे, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए अब हम इसको पलट लेंगे, एक तरफ से हो चुका है, जो हो गया है हम उसको पलट लेंगे। और इसको हमें तलने में 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। अभी हमने थोड़ा सा बढ़ाया है आंच को, ऐसे ही हम चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकालेंगे, और ये जो हमने पहले का डाला है वो हो चुका है। देखिए ये कितना अच्छा कलर आया है, और ये जो हमने पहले का डाला था ये हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ये हमारा सारा हो चुका है। देखिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अब हम ऐसे ही दूसरा वाला तल लेंगे।
ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। देखिए हमारे क्रिस्पी भजिया बनके तैयार हो गए। आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना हुआ है। और आप इसको चाय के साथ या फिर चटनी के साथ किसी के साथ भी खाइए। ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। स्वाद में तो लाजवाब है ही, तो आप जरूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।